ये तस्वीर शेयर करते हुए सोशल मीडिया यूजर्स दावा कर रहे हैं कि ये एक हिंदू महिला की लाश है जो मुंबई के दरिया किनारे से एक सूटकेस में मिली है। इस यूजर ने ये तस्वीर ट्वीट करते हुए इसे लव जिहाद की घटना बताया है। वहीं ये तस्वीर ट्वीट करते हुए यूजर ने बताया कि एक मुस्लिम लड़के ने इस हिंदू महिला की हत्या कर दी। ऐसे ही दावे के साथ कई राइट विंग यूजर्स ने ये तस्वीर शेयर की है। बहरहाल जांच करने पर ऑल्ट न्यूज ने पाया कि इस मामले में कोई कम्युनल एंगल नहीं है। सर्च करने पर हमें मामले से जुड़ी कई मीडिया रिपोर्ट्स मिली। मिडडे की इस रिपोर्ट में तस्वीर में दिख रही महिला की पहचान अंजलि सिंह के रूप में की गई है। वहीं आगे रिपोर्ट में बताया गया है कि 2 जून को ये लाश उत्तन बीच पर मिली थी। पुलिस ने छानबीन कर इस सिलसिले में महिला के पति मिट्टू सिंह और देवर चुनचुन सिंह को गिरफ्तार किया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल में कहा गया है कि आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्हें अंजलि के चरित्र पर शक था और इस कारण उन्होंने उसकी हत्या कर दी। पुलिस के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों भाइयों ने 24 मई को अंजलि की हत्या कर दी थी और बाद में उन्होंने उसका सिर काटकर बाकी शरीर एक बैग में भर दिया और समुद्र में फेंक दिया। यानी असल में पति और देवर ने अंजलि नाम की इस महिला की हत्या कर उसके शरीर को बैग में भरकर समुद्र में फेंक दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़ित महिला और आरोपी दोनों ही हिंदू है और इस घटना में कोई कम्युनल एंगल नहीं है।